नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9X 5G वर्सेस Vivo Y18e का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9X 5G में 6.52 इंच जबकि Y18e में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9X 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9X 5G में 2.99 इंच जबकि Y18e में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Z9X 5G में 0.31 इंच जबकि Y18e में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z9X 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9X 5G में 199 ग्राम जबकि Y18e में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9X 5G में 6.72 इंचेस जबकि Y18e में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9X 5G में 1080x2408px FHD जोड़ और Y18e में 720x1612px HD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9X 5G में 86.58% जबकि Y18e में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9X 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y18e में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9X 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y18e की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डुअल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9X 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y18e की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9X 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y18e में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9X 5G में Adreno 710 जबकि Y18e में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9X 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और Y18e में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9X 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Y18e में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z9X 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y18e में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9X 5G में 6000 mAh जबकि Y18e में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही
दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9X5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y18e की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो iQOO Z9X5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Vivo Y18e की तो उसमें 8 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Z9X5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9X5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y18 है, दूसरा Tecno Spark 20 है, तीसरा Samsung Galaxy M15 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo T3X है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।